खंडवा रोड स्थित वार्ड 77 के गणेश नगर के रहवासियों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। अब जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से आजादी के 75 वर्षों बाद क्षेत्र में शासकीय राशन दुकान खुली है। यह राशन दुकान क्षेत्र के 500 परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए ये खास खबर। राज्य सरकार ने नीति तैयार की है कि प्रत्येक कुछ किलोमीटर पर शासकीय राशन दुकान खोली जाए, इसलिए जब नई राशन दुकान खुलती है तो क्षेत्र के लिए कोई सौगात नहीं होती। लेकिन खंडवा रोड क्षेत्र के वार्ड 77 के गणेश नगर में खुली राशन दुकान क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात कही जाएगी। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी क्षेत्र के लोगों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। राशन दुकान दूर होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, खासकर महिलाओं को बड़ी परेशानी होती थी। दुकान में ला सर, हमें मज्जर वर्मा सर जी के विशेष सहयोग से यहाँ पे राशन की दुकान अवेलेबल हुई है। सर हमारी परेशानी क्या बताएं, हमें तो समझ लीजिए लोग मतलब है ना, जब ये राशन कार्ड बना उसके बाद हमें राला मंडल भेजा गया, राला मंडल से कसरावत भेजा गया, कसरावत से कैलोत करताल, उसके बाद यहाँ भोला राम उस्ताद मार्ग। हमें आने जाने में इतनी परेशानी हो जाती थी, कई बार पता नहीं रहता था, जाओ तो दुकान बंद हो जाती थी। हम घर पर छोटे छोटे बच्चे छोड़कर जाते थे और किसी के भरोसे नहीं, और कोई मतलब काम नहीं आता सर। सर दुकान बंद होती थी, हमारा काम रुक जाता था, हस्बैंड वाइफ अलग अलग नंबर लगाते थे तो सर 5-5 बज जाते थे हमें ऐसे। अब कितना फायदा होगा पास आने में दुकान? सर अब तो ऐसा लगता ही नहीं है, यहाँ पास में आए सारी चीजें अच्छे से हो गई, सबका व्यवहार और सर के मज्जन सर की विशेष कृपा से मतलब हम लोगों को ये सहयोग प्राप्त हुआ, हम तो सर का धन्यवाद देते हैं। लाडली बहना का भी सर ने पंचायत में करवाया, उसके लिए भी हमें भटकना नहीं पड़ा, मतलब वहाँ के कार्यकर्ता हमें खुद सहयोग दे रहे जिनकी जानकारी हमें नहीं कि आप पहले ये चीज करवाइए, सभी मतलब अच्छे से मार्गदर्शन प्रस्तुत करा रहे, आधार कार्ड का सर हर चीज का तो सहयोग करा। कोरोना काल में भी सर ने सर हमारे लिए मतलब बाकी में आप समझ सकते हैं कि सब्जी के लिए भी पैसे मुश्किल होते हैं। सर ने मेरा नाम अरुणा केतवास है, कोरोना के समय भी हम लोगों को राशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई सर। भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि घनश्याम वर्मा और पार्षद प्रियंका चौहान के प्रयासों से क्षेत्र में राशन दुकान आवंटित हुई, जिसका लाभ 500 से अधिक परिवारों को मिलेगा। करीब 50-60 वर्ष हो गए जब से इन लोगों को यहां से करीब 8 किलोमीटर तेयाजी नगर राशन लेने जाना पड़ता था, करीब 500 परिवार, और 500 परिवारों में माताएं बहनें राशन लेने जाती थी। वो आजकल थम्स वाला सिस्टम लग गया है तो कई बार राशन मिलता था नहीं मिलता था, तो इनको कम से कम एक व्यक्ति को 100 रुपये से लेकर 150 रुपये खर्च आता था। अब वो सुविधा यहाँ पर मिलने लग गई गणेश नगर में। आप देख रहे हैं कि हमने शायद आज़ादी के बाद पहली बार एक राशन की दुकान हमारे गणेश नगर में मधु वर्मा जी के माध्यम से, प्रियंका चौहान, पुष्पेन चौहान के माध्यम से, और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था पिछले 6 माह से। कलेक्टर साहब से अनुरोध किया, खाद्य अधिकारी जी से अनुरोध किया, फिर भी नहीं खुल रही थी, लेकिन हमने विशेष अनुरोध किया कलेक्टर साहब से भी कि एक दुकान हमारे यहाँ पर होना चाहिए, जो कि 500 परिवार अगर वहाँ पर लेने जाते हैं तो एक व्यक्ति अगर 100 रुपये भी जोड़ लें तो कितना किराया हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जब राशन की कार्ड राशन की दुकान आज खुल गई तो मैं प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, मारू साहब को और फूड अधिकारियों को, सभी सेंगर साहब को भी, सबको अधिक अधिक धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्य में जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद और बधाई। देखिए निरंतर जब से हम लोग चुनाव जीते हैं तब से काफ़ी सारे लोगों की यही परेशानी थी कि हम लोगों को, जैसे कि हमारा क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है तो लोग काफ़ी दूर दूर तक यहाँ से 8-8, 9-9 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर ट्रैवलिंग करके जाते थे आते थे, उसमें उनका समय, उसके बाद जितने राशन फ्री मिलता है पर जाने आने में किराया जो खर्च होता है लोगों का, उन लोग इतनी स्थिति नहीं है उनकी कि वो लोग इतना खर्च करके जाएँ, तो काफ़ी समय से हम लोगों का प्रयास चल रहा था। हमारे वरिष्ठ जो नेता है, हमारा मेरा मार्गदर्शन हमेशा देने वाले घनश्याम वर्मा जी, मधु वर्मा जी, पुष्पेन सिंह चौहान जी, बाकी सभी लोगों के अथक प्रयासों से, मेरे प्रयासों से, हम लोगों ने अधिकारियों से कोऑर्डिनेट किया सब कुछ करके, और हम लोगों ने आखिरी में ये निश्चित किया कि हम लोग जरूर इस वाले वार्ड में यहाँ पे जितना भी लोगों को कन्वीनियंट रहे तो हम लोग एक यहाँ पे खाद्य के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल खोलेंगे, और आखिरी में हमें सफलता मिली। कितने लोगों को लाभ मिलेगा इस दुकान से? यहाँ पे कई सारे लोग हैं, वैसे तो 5,000 लोग हम लोग, 500 परिवार में आप मान के चलिए कि 5,000 लोगों का तो भरण पोषण होगा ही इस कंट्रोल से। क्षेत्र में राशन दुकान खुलने से आसपास के सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।